बाघ नदी के उप वन मंडल अधिकारी वन विभाग की टीम ने ग्राम बखरू टोला में तुलसीराम साहू के घर छापा मार कर लाखों के चिरान लकड़ी जब्त की। वन विभाग के आला अधिकारी की मौजूदगी व पुलिसकर्मी एवं गांव के लोगों के सामने की गई तलाशी विभाग की टीम ने जब खोजबीन की तो मकान के अंदर से सागून के लगभग 94 नग खिड़की और चौखट व पाटा लकड़ी मिली, जिसे जब्त कर पंचनामा तैयार कर कार्यवाही की गई। डिप्टी रेंजर दशंत प्रकाश सूर्यवंशी से मिली जानकारी के मुताबिक सर्च वारंट लेकर घर की तलाशी ली गई, जिसमें अवैध संग्रहालय बहुत ज्यादा मात्रा में होना पाया गया। बाघ नदी के उप वन मंडला अधिकारी और वन परिक्षेत्र अधिकारी ने लकड़ी जब्त की है और हमें तुलसीराम साहू के पास से वैधानिक कागज प्राप्त नहीं हुए जिसे सागर चिल्लेया काट सके। राजनांदगांव SDO मधुसूदन डोंगरे ने बताया जांच होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी व आरोप तय होने पर आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। जब हमारे संवाददाता ने तुलसीराम साहू से पूछा तो उनके बताए अनुसार ये लकड़ी मेरे खेत की है, जिसका मेरे पास कागज दस्तावेज होना बताया। वह जो लकड़ी मिली है उसे शेष भी अधिकारियों ने खेत जाकर नाप जोक भी की है। साहू ने कहा 2 से 3 साल पहले तूफान आने से झाड़ खेत में गिरना बताया, जिसकी जानकारी आवेदन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत कराना बताया व जिसके बाद कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के पास इसकी जानकारी भेजी गई। इस संबंध में 4 से 5 बार पेशी में जाना बताया गया। वन विभाग की छापेमारी कार्यवाही में अभी स्पष्ट आरोप तय नहीं किए गए हैं। छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। आपका नाम बताएंगे? तुलसीराम साहू। ये आपके यहाँ अभी जो लकड़ी जो बरामद हुआ है वन विभाग कर्मचारी द्वारा, ये 3 बजे करीब फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी आया बाघ नदी वाला 3 स्टार वाला जी। और उसके बाद और 2-4 आदमी फॉरेस्ट विभाग के था, नाम बताया, पिताजी के नाम बताया और आपके यहाँ सागौन लकड़ी रखा है तो मैं बताया खेत का है भाई हैं, और खेत के मेरे पास दस्तावेज है, कागज भी दिखाया, खेत में ले जा कर के ठूट भी दिखाया, ठूट को नाप जोक किया है और तूफान की गिरा था और कलेक्टर महोदय को उसका आवेदन लगाया था 2-3 साल पहले जिस समय गिरा उस समय, और कलेक्टर महोदय से तहसीलदार में कागज आया, तहसीलदार में 4-5 पीसी गया हूँ और वहाँ फाइल अभी भी है, लास्ट निर्णय क्या होता है अब वो निकालने से पता लगेगा फाइल का। अब अभी लकड़ी को जब्ती बना के ले गया है, एक प्रति मेरे दिया है कागज, नग कितना नग है क्या है सब गिनती नाप जोक किया है। टोटल कितना नग बरामद हुआ इनको है? टोटल कितना बरामद हुआ है नग इनको? अब नग साहब अब वो गिनती में पता चल रही है मैं कागज में है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि मतलब ये अवैध नहीं है आपके? ये लकड़ी अवैध नहीं है, किसानी का है, काश्तकारी भूमि का है। और अभी आप पटवारी के पास देखोगे ना ऑनलाइन में पूरा सागौन का झाड़ लोड है वहाँ, मेरे पास अभी गीला झाड़ और है खेत में, गीला झाड़ भी है छोटे वोटे छोटे, और 2 साल 4 साल 6 साल का इसे पतला मोटा बहुत सारा है, छुरिया नर्सरी से ये सब लाख लगाया था। अभी जो झाड़ तूफान में गिरा है ना वो बहुत पुराना झाड़ है, वो तूफान से गिरा था 2-4 साल पहले, अभी चिरान अभी के नया नहीं है, 2 साल पहले का ही है, जिस समय दूसरे खेत में गिरा था उसको कटवा के ला के फड़वाया था और फड़वा के निजी उपयोग में लगाना है घर बना के, ऐसे करके अभी घर बना ही चला था, मकान निर्माण चला थे वहाँ लगाना था। आपके ऊपर क्या कार्रवाई की बात की गई वन विभाग द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा? वन विभाग द्वारा मेरे बोला है, संतावना दिलाया है वो तहसीलदार द्वारा, वो और कुछ फाइल दिखा देना, उसके बाद जितना गिनती है सारी लकड़ी घर में पहुंचा देंगे बोला है। हाँ, यहाँ बकरू टोला में हमको सागौन का चिरान प्राप्त हुआ है, ये श्री तुलसीराम साहू जी के घर पे रखा हुआ है और इनके द्वारा बताया गया है कि इनके खेत की लकड़ी है जो गिरी हुई है, परंतु यहाँ पर जब हम आए हैं तो हमको काफ़ी पुराना चिरान मिला है, नया तो नहीं है, पुराना चिरान है और हाथ से चिरान किया गया है। अभी हम लकड़ी को यहाँ से जब्त करके ले जा रहे हैं और आगे जांच होगी, आगे जांच में जैसा भी होगा तो नियमानुसार कार्रवाई होगी।
हाँ, हमने तुलसीराम साहू जी हैं ना, उनके घर तलाशी वारंट के आधार पे हम लगाए थे ना, तो उस पर तलाशी पे हमें कास्ट चिरान मिला जिसका एक्चुअली अवैध संग्रहण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी हमने सूची एक है जप्तीनामा सहित उनको दे दिए हैं तुलसीराम जी को। आगे की जितनी भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार होगी। कितने बजे करें सर कार्रवाई? ये हम लोग लगभग तीन बजे के बाद ही आए हैं, और उसके बाद हमने ये शायद बाहर गए हुए थे, आधे घंटे 45 मिनट हमने वेट किए, उसके बाद ये बाइक लेके आए, हमने फिर इनको बताया सर्च वारंट, उसके बाद इन्होंने पहले परमिशन दिखाया कि हमने कलेक्टर को आवेदन दिए थे, आवेदन वो जितना भी कागजात था सिर्फ आवेदन था, और जो प्रक्रियाधीन विचाराधीन है तहसील न्यायालय में वो वाली चेक देखे, आदेश प्रति नहीं थे कि इनके काट सके या फिर चिरान रख सके, ऐसा कुछ भी प्रति नहीं था। तो इस आधार पर हमने सर्च वारंट के आधार पर फिर हमने तलाशी जारी किए गाँव वालों के सामने, इनके सामने जी। मेरा नाम दशंत प्रकाश सूर्यवंशी है, मैं प्रभारी अभी डिप्टी रेंजर हूँ जी।